एपिसोड 6 की शुरुआत होते ही हमें वही 8th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये सब किसी डेविल की वजह से फंसे हुए होते हैं। वहां ये सब हिराकाजू को ऊपर वाले फ्लोर से आता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। वहां कोवेनी ये देखकर बहुत ही डर जाती है। फिर वहां हिमिनो कोवेनी से कहती है, तुम डबल पीस साइन बनाओ। इतना कहकर हिमिनो नीचे वाले फ्लोर की ओर जाती है, पर सभी उसे ऊपर वाले फ्लोर से आता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। वहां कोवेनी फिर से बहुत डर जाती है। वहां हिमिनो अक्की से कहती है, ये क्या चल रहा है। वहाँ अक्की कहता है, ये सब कुछ डेविल की पावर कर रही है। फिर अक्की कोविनी को एक रूम के बाहर खड़ा कर देता है और वो उस रूम के अंदर जाता है। वहाँ अक्की देखता है कि इस खिड़की के बाहर भी एक रूम है और वो उस रूम के अंदर चला जाता है। फिर अक्की उस रूम के दरवाजे को खोलता है तो वो कोविनी के पीछे आ जाता है। वहाँ कोविनी अक्की को अपने पीछे वाले रूम से आता हुआ देखकर बहुत डर जाती है। वहाँ डेंजी कहता है, हम किसी भी रूम की खिड़की को होले दूसरे रूम से वापस हम हॉल में ही आ जाते हैं। वहाँ अक्की कहता है, मैं समझ गया, हम सब 8th फ्लोर के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। फिर हमें अगले ही सीन में सभी डेविल हंटर्स को दिखाया जाता है, जो कि एक रूम के अंदर परेशान बैठे हुए होते हैं। वहाँ अक्की कहता है, हम सबको पता है ये सब कुछ डेविल ने किया है और हम कितनी भी कोशिश कर ले पर हम वापिस 8th फ्लोर में ही आ जाएंगे और ना ही हम लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही किसी रूम के विंडो से बाहर जा सकते हैं। वहाँ डेंजी कहता है, शायद पावर ने उस डेविल को मारा तो उस डेविल ने अपनी पावर का यूज करके हमें इस ट्रैप में फंसा दिया। वहाँ पावर डेंजी को गुस्से से कहती है, तुमने कहा था मुझे मारने के लिए। वहाँ अक्की कहता है, डेविल्स की पावर खत्म हो जाती है जब वो मरते हैं। वहाँ हिमिनो अक्की से कहती है, गन डेविल के मास के पीसेस को देखो, वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। वहाँ अक्की उस मास के पीसेस को देख करके कहता है, ये कोई भी हलचल नहीं कर रहा। वहाँ हिमिनो कहती है, मैंने पहले किसी डेविल को इतनी होशियारी से काम करते हुए नहीं देखा। वहाँ पर हिराकाजू कहता है, अगर हम किसी को कुछ टाइम के लिए नहीं दिखते हैं तो दूसरे डेविल हंटर्स हमारी मदद करने के लिए आएंगे। ये सुनकर हिमिनो कहती है, मैं होप करती हूँ कि वो इस तरह के ट्रैप में ना फंसे। वहाँ कोवेनी डर के मारे रोने लग जाती है। ये देख के हिराकाजू उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। वहाँ पावर कोवेनी को रोता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है, जहाँ पर हिराकाजू पावर को चुप रहने के लिए कहता है। फिर हिमिनो कोवेनी को चुप कराती है और कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर कोवेनी कहती है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। पर हिमिनो अक्की को देखकर कहती है, क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है। जहाँ पर अक्की कहता है, इस रूम की घड़ी जो 8:18 पर ही रुकी हुई है और सभी रूम की घड़ी भी 8:18 पर रुकी हुई है और ये भी हो सकता है कि हम सब उस टाइम 8th फ्लोर में फंसे होंगे। अगर ऐसा है तो हमारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। वहाँ डेंजी कहता है, अगर ऐसा है तो हम सबको इसी वक्त सो जाना चाहिए। ये बात को सुनकर हिराकाजू कहता है, तुम क्या पागल हो, अगर ऐसा हुआ तो हम सब यहाँ पर हमेशा के लिए भी ट्रैप्ड हो सकते हैं। वहाँ डेंजी कहता है, तुम कुछ भी करो, जब तुम्हें पता लग जाएगा तो मुझे उठा देना, मैं तो चला सोने। वहाँ अक्की डेंजी को सोता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। फिर अगले ही सीन में हिमिनो डेंजी को जगाने के लिए आती है। वहाँ डेंजी कहता है, तुम्हें 8th फ्लोर से बाहर जाने का रास्ता मिल गया। जिस पर हिमिनो कहती है, अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला, पर जब तुम सो रहे थे तब हमने देखा कि पावर और इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से वर्क कर रही थी और यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत खाना भी मिल गया। पर मैं सच कहूँ तो यहाँ पर सभी थक चुके हैं और अक्की अभी भी बिना रुके डेविल को सर्च कर रहा है और हिराकाजू ने अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक कर लिया है और कोवेनी डर के मारे पागल हो चुकी है, तो उसे मैंने बाहर कर दिया और फिंड। वहाँ डेंजी कहता है, क्या पावर को कुछ हुआ। फिर अगले ही सीन में हमें पावर को दिखाया जाता है जो पागल जैसी हरकतें कर रही होती है। ये देखकर डेंजी कहता है, वो हमेशा से ऐसा ही करती है। जिस पर हिमिनो कहती है, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद ये तीनों कोवेनी और हिराकाजू को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कोवेनी और हिराकाजू अब भी बहुत डरे होते हैं। वहाँ हिमिनो कहती है, ये मेरी लास्ट सिगरेट है पर मैं आराम कर सकती हूँ क्योंकि अक्की बहुत मेहनत कर रहा है। वहाँ डेंजी कहता है, अक्की भी इस ब्रांड की सिगरेट को पीता है। इस बात को सुनकर हिमिनो कहती है, क्योंकि अक्की को भी सभी सिगरेट के फ्लेवर के बारे में पता है। फिर हमें अक्की और हिमिनो की फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिमिनो अक्की से कहती है, क्या तुम स्मोक नहीं करते। जिस पर अक्की कहता है, नहीं, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होती है। वहाँ हिमिनो कहती है, तुम्हें सिगरेट पीना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये सोशलाइजिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। वहाँ अक्की कहता है, मैं दोस्त बनाने के लिए नहीं देख रहा हूँ।
वहाँ हिमिनो कहती है, मेरे अनुमान से तुमने शायद पब्लिक सेफ्टी गन डेवल को मारने के लिए ज्वाइन की है। ये सुनकर अक्की हैरान हो जाता है। फिर हमें अगले ही सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो हिमिनो को एक चांटा मारती है। वहाँ अक्की हैरान होकर हिमिनो से पूछता है, ये कौन थी? इस पर हिमिनो कहती है, ये मेरे पुराने पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी। के डेड पार्टनर की फैमिली और फ्रेंड के साथ कुछ इशू है। वहाँ अक्की ये सुनकर गुस्से से उस लड़की के पीछे जाता है और वापस आकर हिमिनो से कहता है, मैंने उस लड़की के कपड़ों पर गम लगा दिया है जिसने तुम्हें मारा था। ये सुनकर हिमिनो बहुत हैरान हो जाती है। वहाँ अक्की कहता है, तुम्हें अब गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, मैंने उसे बिना पता लगे ही उसके कपड़ों में गम लगा दी है। जहाँ पर हिमिनो ये सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। और रात को फिर दोनों साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ हिमिनो अक्की से कहती है, मुझे लगता है तुम इस काम में ज्यादा टाइम तक सरवाइव करोगे। वहाँ अक्की इस बात को सुनकर कहता है, क्या ये मेरी इंसल्ट थी? वहाँ हिमिनो अक्की को सिगरेट पीने के लिए कहती है, जिस पर अक्की कहता है, मैं सिगरेट नहीं पीता क्योंकि यह सेहत के लिए हानिकारक होती है। वहाँ हिमिनो कहती है, मैं चाहती थी कि तुम सिगरेट पियो क्योंकि हम दोनों कुछ टाइम के लिए साथ काम करेंगे। जहाँ पर अक्की उस सिगरेट को ले लेता है और कहता है, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर अक्की हिमिनो से सिगरेट मांगता है। वहाँ हिमिनो कहती है, माफ करना पर ये लास्ट ही सिगरेट है। वहाँ अक्की हिमिनो से कहता है, प्लीज मुझे लेने दो। जहाँ पर हिमिनो अपने मुँह से सिगरेट को निकाल कर अक्की के मुँह में डाल देती है। वहाँ पर डेंजी गुस्से से कहता है, ये इनडायरेक्ट किस थी? जहाँ पर अक्की कहता है, चुप रहो, मेरे पास एक बैड न्यूज है। तुम सबको पता है जिस डेविल को हमने मारा था वो अब बहुत बड़ा हो चुका है। फिर हमें उस डेविल को दिखाया जाता है जो डोर तोड़कर बाहर आ जाता है। जहाँ पर ये सभी डेविल की आवाज को सुनकर रूम से बाहर आ जाते हैं और ये सब डेविल को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ हिमिनो डेविल को देखकर कहती है, ये किस तरह का डेविल है? वहाँ डेविल कहता है, मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा हूँ। ये सुनकर डेंजी कहता है, क्या ये डेविल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है? वहाँ डेविल कहता है, मुझे उस ह्यूमन को खिलाओ जिसे डेंजी कहा जाता है, फिर तुम सब यहाँ से आराम से जा सकते हो। वहाँ डेंजी ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर हमें कोबिनी को दिखाया जाता है जो डेंजी को मारकर उस डेविल को खिलाना चाहती थी। जहाँ पर अक्की और हिमिनो कोबिनी को मारकर रोक देते हैं। जहाँ पर ये डेविल ये सब देखकर हंसने लग जाता है। वहाँ हिमिनो अक्की से कहती है, तुम फॉक्स डेविल की पावर का यूज करो। जहाँ पर अक्की अपनी फॉक्स डेविल की पावर का यूज नहीं कर पाता है। वो कहता है, यहाँ पर फॉक्स डेविल नहीं आएगा क्योंकि हम बाल्ट से अभी कट ऑफ है। फिर वहाँ पर हिमिनो अपनी घोस्ट पावर का यूज करती है और डेविल को हर्ट भी कर देती है, पर डेविल हर्ट होने के बाद और बड़ा हो जाता है। जहाँ पर हिमिनो ये देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ डेविल कहता है, ये मेरी असली बॉडी नहीं है और तुम मेरे हार्ट को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि तुम सब मेरे पेट के अंदर हो और मेरी कोई वीकनेस नहीं है। तुम्हारा यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करने से। वहाँ डेंजी कहता है, शायद तुम इन्हें जाने नहीं दोगे भले ही मैं मर जाऊं। ये सुनकर हिमिनो कहती है, जब कोई भी डेविल कॉन्टैक्ट बर्ड का यूज करता है, अगर दोनों में से कोई भी साइड कॉन्टैक्ट को तोड़ते हैं तो वो लास्ट में मर ही जाते हैं। वहाँ पीछे से हिराकाजू कहता है, हमें डेंजी को मारकर डेविल को दे देना चाहिए। अगर हम एक बार बाहर चले गए तो हम डेविल को मारने के लिए दोबारा फिर दूसरे प्लान से आएंगे। हमें ये डील कर लेनी चाहिए। वहाँ पर अक्की कहता है, अगर डेविल मरे हुए डेंजी को चाहता है तो डेंजी की डेथ उसके लिए बेनिफिट है, इसलिए हम इस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जहाँ पर हिमिनो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ पावर कहती है, हमें इसे मार देना चाहिए। जहाँ पर डेंजी ये सुनकर हैरान हो जाता है। वहाँ अक्की कहता है, फिंड्स डेविल के साथ समझौता नहीं कर सकते और हम डेंजी को नहीं मारेंगे क्योंकि हम डेविल हंटर्स हैं, हम सिर्फ डेविल्स को मारते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी थक कर बैठे होते हैं। वहाँ हिमिनो अक्की से कहती है, तुम्हारे पास कोई प्लान है यहाँ से बाहर जाने का? जहाँ पर अक्की कहता है, डेविल ने सही कहा था, हम उसे नहीं मार सकते पर हम डेंजी को भी नहीं मार सकते। वहाँ हिमिनो कहती है, तो फिर तुम्हारा भूखा रहने का प्लान है? वहाँ अक्की कहता है, अगर हमारे पास बाहर जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा तो मैं सोर्ड का यूज करूँगा। ये सुनकर हिमिनो एकदम से उठकर कहती है, तुम ऐसा नहीं करोगे। वहाँ डेंजी कहता है, अगर वो चीज हमें बाहर निकाल सकती है तो उसे वैसा ही करना चाहिए। ये सुनकर हिमिनो कहती है, अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा
होगा तो हम देंजी को मार देंगे। फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिराकाजू पावर के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने बेड पे पड़ा हुआ सारा खाना खा लिया होता है। वहाँ पावर कहती है, ये मेरी वजह से नहीं बल्कि देंजी की वजह से हुआ है। वहाँ पर कोवेनी पागल होकर कहती है, ये सब कुछ फिंट की वजह से हुआ है। जहाँ पे हिराकाजू कोवेनी को शांत रहने के लिए कहता है, वहाँ कोवेनी हिराकाजू के पास जाकर जोर से चलाती है जिसकी वजह से डेविल अपनी जगह से हिलने लग जाता है और अक्की देंजी हिमिनो को वहाँ से भागना पड़ता है। वहाँ डेविल कहता है, देंजी को मार दो और मुझे उसका हार्ट दे दो। जहाँ पर सभी डेविल हंटर्स डेविल की आवाज को सुनकर डर जाते हैं। जहाँ डेविल उस फ्लोर को साइड वाली पोजीशन में कर देता है वहाँ डेविल फिर से कहता है, मुझे देंजी का हार्ट दे दो। वहाँ पर कोवेनी जोर जोर से कहती है, कोई देंजी को मार दो। वहाँ हिराकाजू कहता है, अगर हमें बाहर जाना है तो हमें देंजी को मारना होगा। वहाँ पर अक्की ये बात को सुनकर कहता है, मैं शॉर्ट का यूज कर रहा हूँ हिमिनो। जहाँ हिमिनो अक्की को अपने घोस्ट पावर से पकड़ लेती है और कहती है, अगर इसने शॉर्ट का यूज किया तो ये मर जाएगा और इसके पास जीने के लिए अभी बहुत कुछ है और मुझे माफ करना देंजी। फिर वहाँ पर हिराकाजू देंजी को धक्के देने के लिए आ जाता है। वहाँ पर पावर ये देखकर हंस रही होती है। वहाँ कोवेनी देंजी को चाकू से मारने ही वाली होती है पर तभी अक्की देंजी के ऊपर आ जाता है और वो चाकू अक्की को लग जाता है। वहाँ सभी अक्की का खून निकलते हुए देखकर डर जाते हैं। जहाँ पर अक्की कहता है, क्योंकि मैं गन डेविल को नहीं मार सकता और मुझे ऐसा डेविल हंटर चाहिए जो उसके साथ लड़े और मैं नहीं चाहता कि देंजी मरे। वहाँ देंजी पावर से कहता है, तुम ब्लड फिंड हो ना तो इसके खून को रोको। वहाँ पावर कहती है, मैं सिर्फ अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकती हूँ। इतना कहकर अक्की के खून को रोकने की कोशिश करती है। वहाँ हिमिनो को कब्रिस्तान की याद आ रही होती है और वो कहती है, अक्की अब हम क्या करें। वहाँ कोवेनी डर कर कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब इसकी वजह से हुआ है। जहाँ देंजी कोवेनी को गुस्से से देख कर कहता है, हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ और उस डेविल को मारने के बाद मुझे वो किस चाहिए जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ। और इतना कहकर देंजी वहाँ से कूद जाता है और यहाँ पर एपिसोड 6 की एंडिंग हो जाती है। हम मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।